सर आप रेडी हो सकते रियली गुड टू सी यू दिग्मांशु सर आपका राकेश हाँ थैंक यू सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा फिल्म आज रिलीज है और आज भी हम फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और जहाँ तक टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें या और जो क्रिटिक हैं तीन तीन साढ़े तीन तीन स्टार मिले हैं माही के किरदार को बड़ा सराहा गया है जानना चाहूँगा कितना संतुष्टि होती है एक एक फ्रेंचाइजी जो बहुत कामयाब फ्रेंचाइजी रही है माही के किरदार की बात कर रहे हैं कि संतुष्टि की बात कर रहे हैं संतुष्टि और माही के किरदार दोनों की बात कर रहे हैं माही का किरदार के साथ ऐसा है कि माही का किरदार ही है जो कि एक्चुअली गेम की पहली बॉल को किक करता है वो किक करती हैं तो सारा फिर वो प्रपंच की जो दुनिया है वो फैलने लगती है तो वो मेरा ऐसा किरदार भी है जो कि एक पहले पार्ट में विक्टिम था हस्बैंड उनको टाइम नहीं देते थे अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहते थे वो अल्कोहलिक हो गई और थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक हो गई बायपोलर किस्म का कैरेक्टर दूसरी वाले में माही का थोड़ा कैरेक्टर बदला उसने कहा कि अब मैं भी थोड़ा कुछ करना चाहूँगी फिर इरफान से कहती मुझे राजनीति सिखाओ राजनीति करते कैसे हैं और अब थर्ड पार्ट में वो टोटल फॉर्म में है बड़ी नेता बन चुकी हैं और शी इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग तो उसका कैरेक्टर बहुत इवॉल्व होता है और बाकी के कैरेक्टर उसके एवोल्यूशन की वजह से थोड़ा इफेक्ट होते हैं तो बड़ा इसलिए उसका कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद भी आता है सेटिस्फैक्शन इसलिए मिलता है कि जिस तरह की फिल्में आजकल हो रही हैं ज़्यादातर जो चलती भी है वो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई पिक्चरें होती है वैसी होती है मतलब सभी जैसे कि ज़रूरत भी 99% वैसी हैं वो इतनी ज़्यादा सिंपल होती है मतलब वो ऐसा होता है कि ऐसा कि लगता है कि जिसको 5 साल का बच्चा भी समझ में आ जाए जिसके और किसी बड़े इंसान को भी समझ में आ जाए तो साहेबी गैंगस्टर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये दुनिया इंटरेस्टिंग है इस दुनिया की कहानियाँ बहुत कहीं नहीं जाती हैं ज़्यादातर अर्बन स्पेस में रह के काम होता है या तो फिर स्मॉल टाउन की वो लव स्टोरीज होती हैं इस जो एक पुरानी रॉयल्टी का पतन और उस तरह से उस पतन में से निकले हुए किरदार उनके बीच में द्वंद्व और वो ड्रामा ये थोड़ा बायगॉन एरिया के बात करता है लेकिन हाँ 2018 की कहानी है बट उन किरदारों की कहानी है जो कि आपको ज़्यादातर पेज 3 में पार्टीज़ में ही कभी कभी अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं बट अंदर से ज़्यादातर सब बहुत खोखले हैं तो मुझे दुनिया दोबारा क्रिएट 5 साल बाद आई है पार्ट 3 तो एक बड़ा वक्फा है तो इस दुनिया को दोबारा क्रिएट करने में मज़ा आता है मुझे आज के दिन फिल्म रिलीज़ के दिन आप प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म का अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं आपके और भी बहुत से लोग ले रहे हैं क्या ज़रूरी था प्रमोशन ज़रूरी सब रिलीज़ के दिन अमूमन देखा जाता है कि मेकर फिल्म देखता है या रिस्पॉन्स लोगों के मालूम पड़ता है इंडस्ट्री से लोग आते हैं फीडबैक आते हैं कि क्या रिव्यू है लोग क्या क्योंकि आज ही सुबह रिलीज़ हुई है तो मुझे लगता है 1-2 दिन तक तो और पुश करना चाहिए फिल्म को जो कि कोशिश रहती है क्योंकि आजकल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ हो गई है आपके आप लोगों के ज़रिए ज़्यादातर अगर थिएटर्स में पिक्चर लगी हो जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है जहाँ जहाँ हिंदी सिनेमा देखा जाता है कोने कोने में रिलीज़ तो आप लोगों के ज़रिए उन तक ये बात पहुँचाई जाए तो मुझे लगता है रिलीज़ के दिन और उसके 1-2 दिन तक ये एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए very positive note you are the one who always believe in the content that's what I know being a journalist ki content important hona chahiye promotion of course zaruri hai lekin ek baat us bare mein kya kehna chahiye ki content aapka acha hai to log yakeenan aayenge dekhenge content nahi yaar kabhi kabhi nahi hota aisa kyunki kabhi kabhi aap achhi film banate ho lekin logon ko pata hi nahi chalta ki wo lagi hai jaise meri ragdesh ke sath hua 2.5 saal maine lagaya us picture ko लिखने से लेकर के रिसर्च से लास्ट ईयर 28 जुलाई मतलब आज ही 1 साल बाद ये साहेबी भी पार्ट 3 आई लोगों को पता ही नहीं था बिकॉज उसका प्रमोशन उस ढंग से किया नहीं गया था नए लोग थे उसको हैंडल कर रहे थे तो उसका मलाल था एक बहुत इतनी मेहनत की एक फिल्म और सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर फिल्म है लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो बहुत देशभक्ति करते रहते हैं आजकल जब मौका है कि उस देशभक्ति के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो कम से कम इतिहास को जानो तो कोई आया नहीं वो आए इसलिए नहीं लोगों को पता ही नहीं था तो इस बार कहा कि यार थोड़ा ज़्यादा करनी चाहिए कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थी माशा सर आपकी फिल्मों के स्टार नहीं याद रहते हैं किरदार याद
ये है और ये किरदारों के नाम से जाने जाते हैं। फिर संजय, यू नो संजय दत्त, चित्रा फिल्म का सर, माही तो यू नो जिमी कंटिन्यूटी में रहे, क्या खास वजह रही है जो सर कि हाँ दिस आर द पीपल आई वांट देम टू बी ऑन बोर्ड? जैसे आपने कहा भाई और जिमी तो क्यों साहेब बीवी हैं कंटिन्यू, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है साहेब बीवी का कि गैंगस्टर बदलता रहता है, रणदीप थे फिर इरफान थे, तो इस बार जो किरदार लिखा गया गैंगस्टर का वो बहुत ट्रैजिक है, हालांकि पहले दो भी बहुत ट्रैजिक थे वो सबकी। तो संजय दत्त से बेहतर कोई जहन में आया नहीं, क्योंकि आप जब संजय दत्त की बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक एक्टर संजय दत्त, या जो रॉकी में जिसका डेब्यू हुआ था और जिसने वास्तव और ये तमाम फिल्में की हैं, उन्होंने याद है संजय दत्त, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ हुआ है जिसके जिसको लेकर हम सबको पता है क्या हुआ है उनकी लाइफ में। तो वो मेरे कैरेक्टर के साथ वो पूरा जो पैकेज था संजय दत्त एज एन एक्टर और उनकी पर्सनल, वो पर्सोना बहुत परफेक्ट जा रहा था। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई डोंट नो आप जवाब देंगे या नहीं देंगे, जस्ट यू डोंट नो, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के सवालों का जवाब देना कि रणदीप, इरफान, अब संजय, आपको किसने बहुत सेटिस्फाई किया एज एन गैंगस्टर? यू नो इरफान हैज हिज ओन स्टाइल, रणदीप हैज हिज ओन स्टाइल, देन संजय संजय दत्त साहब ही हैज हिज ओन स्टाइल, हू सेटिस्फाई यू अ लॉट एज अ गैंगस्टर इन ऑल ऑफ योर? अरे तीनों गैंगस्टर्स फर्क थे, उनका उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों की बहुत फर्क थी। रणदीप हुडा एक बहुत ही यंग स्टूडेंट टाइप का था जो ड्राइवर बन के घर में घुसता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, और जिसको जो कि वहाँ की माही को पटा लेता है, माही जिसके साथ वो हो जाती है और फिर वो एम्बिशियस हो जाता है कि यार रानी मेरी लवर है तो मैं तो राजा हो ही जाऊँगा अब, यू नो, तो उसका एक अलग था। इरफान का था वो बहुत ही, वो भी रॉयल्टी का था लेकिन जिसकी माली हालत बहुत ख़राब है, बड़ा भाई स्कूल में टीचर है कहने को वो, और वो छुटवैया नेता टाइप का एक छोटे शहर में, लेकिन काम थे कभी बनना और कभी थे मोटरसाइकिल में घूमना, और उसका एक रिवेंज वो अलग था। ये बहुत ही ये स्टाइलिश कैरेक्टर है जिसका एक लंदन में नाइट क्लब है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और अच्छी खासी रॉयल्टी से फैमिली से आता, तो तीनों अलग और बहुत ही एक बुझावा सा कैरेक्टर है, बहुत ही दुखी कैरेक्टर है। तो तीनों क्योंकि अलग अलग थे, मुझे लगता है तीनों ने अपना काम बहुत अच्छा किया है, तीनों ने मुझे सरप्राइज़ किया है, जो मैं चाहता था वो दिया है। मुझे संजय दत्त के कैरेक्टर में थोड़ा स्टाइल चाहिए था, लंदन में रहते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया फिट किए हैं फिजिकल कास्टिंग की तरह, और उन्होंने काम तो तीनों ने मजा दिया। कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा गैंगस्टर बेटर था। ओके, अब तक क्या कॉम्प्लीमेंट आए हैं, फिल्म रिलीज हो चुकी है, इंडस्ट्री से क्या आपको फीडबैक मिला है फिल्म के लेकर? थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैंने सुबह रिव्यू किया तो लोगों ने अच्छा ही बताया। हाँ अच्छा है रिस्पॉन्स, आज तो ऑडियंस देखेगी, आज रिलीज हुए शाम तक पता चलेगा कि लोगों को कैसा पसंद आ रहा है, और मिक्स्ड है एज फार एज क्रिटिक्स आर कंसर्न, उन्हों को अच्छी लग रही है किन्हीं को नहीं अच्छी लग रही है, बट वो तो काम है उनका करना, वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया, जिसका वर्डिक्ट ऑडियंस के लिए बनाई है, क्रिटिक्स के लिए तो बनाई नहीं है, तो देखते हैं आज रात तक क्या होता है। उसके अलावा क्या किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मेरी मिलियन टॉकीज चल रही है, जो पिक्चर को मैं बहुत सालों से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी काफ़ी शूटिंग हो चुकी है, 16-17 दिन की शूटिंग बाकी है, अभी अगस्त में उसकी शूटिंग उसी करूँगा, बाकी फिल्में कुछ लिख रहा हूँ, कुछ वेब पर काम कर रहा हूँ, तो ये है व्यस्तता। सर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे ब्रेक पर? आई मीन द ऑडियंस हैव सीन यू, एनी प्लान? एक्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, ये आनंद की आनंद राय की फिल्म है जीरो, उसमें हूँ। हैं जी, कुछ और बता सकते हैं? आपने बताया कि जीरो में तो आप हैं, हाँ किस किरदार में आप हैं? वो शाहरुख खान का फादर प्ले कर रहा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत 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 मज़ा आया शाहरुख के साथ। मैं दिल से के बाद दोबारा इतने सालों बाद काम कर रहा था, उसमें एज ए डायलॉग राइटर था, इसमें उसका बाप प्ले कर रहा हूँ, और मैं इसलिए इंटरेस्टेड भी था जीरो करने, बिकॉज मैं देखना चाहता था कि ये जिस तरह का स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि वो होता कैसे, हाँ तो इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता था कि थोड़ा सा मज़ा भी मिल जाए, एजुकेशन ही मिल जाए, वो पैसे ही मिल जाए, तो तीनों का एक कॉम्बिनेशन था, इसलिए मैंने कहा ये पिक्चर तो मैं करूँगा भाई। क्या क्या मतलब एज एन एक्टर यू आर वन ऑफ द फैंटास्टिक डायरेक्टर वी हैव इन इंडस्ट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई वुड से इन अ पोस्ट गैंगस्टर वर्सेस, तो आपने एज एन एक्टर क्या सीखा या क्या सिखाया था? दो यू प्लेइंग अ वेरी यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म, यू प्लेइंग हिज फादर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं क्या सिखाऊंगा किसी को,
वो अपना काम कर आप वो अपना कर रहे थे काम, मैं अपना काम कर रहा था, और शाहरुख के साथ काम करके शाहरुख से सीखने को बहुत मिला कि उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी मॉडेस्टी, इतना बड़ा एक्टर है, इतना बड़ा कलाकार है, इतना सक्सेसफुल है, और जिस तरह से वो इज़्ज़त देता है सबको, मुझे नहीं, चलो मैं तो फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ और पहले भी काम कर चुका हूँ, छोटे छोटे एक्टर्स को छोटे जितनी तमीज़ के साथ वो पेश आता है वो काबिल तारीफ़ है। ये तमीज़ जो है ये हमारे लोगों में बहुत कम है, और शाहरुख में है ये बात, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने काम से इम्प्रेस हम सबको कर रखा है सालों से, बट इस बार फर्स्ट हैंड है ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ वो गुंजाइश छोड़ी है वक्त की कि हम देखिए कुछ सालों बाद देखते हैं। जैसे बड़ा एक दिलचस्प पहलू ये रहा कि जो राजाओं को रॉयल्टी मिलती थी जो है वो अचानक बंद हो गया, जो तो उसमें थोड़ा और गहराई से बताते क्या वजह थी बंद होने की। अब वजह तो पिक्चर का पार्ट नहीं थी, ये था कि मैं आप लोगों के ज़रिए बता देना चाहता हूँ कि क्या हुआ था 1947 में जब आज़ादी मिली थी। जिमी का डायलॉग है पूरा कि तब 560 से भी ज़्यादा रजवाड़े थे, रजवाड़े मतलब मेरे उनका खुद का राज, जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में वो उनकी प्रजा है, उनका खुद का राज, उनके खुद के लॉज, उनकी खुद की आर्मी, जो भी छोटी मोटी बड़ी अलग अलग तरह के रजवाड़े थे ना, तो रजवाड़े नापे जाते थे उनकी बंदूक की सलामी किसकी ज़्यादा बनती थी, किसी अगर 21 तोपों की सलामी वाला तो सबसे बड़ा है ऐसे ऐसे करके। बट 1947 में देश आज़ाद हुआ तो सबको हिंदुस्तान में शामिल होना पड़ा, जिसके लिए सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने सब हैदराबाद निज़ाम के साथ तो ऑलमोस्ट वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने इन सबका एक भत्ता बांध दिया कि आप कब आपका राजपाट तो नहीं रहा, आप सब हिंदुस्तान के नागरिक हो और यहीं का लॉ चलेगा, यहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सब पे लागू होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे कोई हो, लेकिन आपको भत्ता दिया जाएगा रहने के लिए, जिसको प्रिवी पर्स बोला गया था। वो प्रीवी पर्स मिलता था सबको उनकी सबकी औकात के अकॉर्डिंग, जिसका जितना बड़ा स्टेचर है उसको ज़्यादा ऐसे। वो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में बंद करवा दिया, जिसके पे बड़ा केस वेस चला और बहुत काफ़ी बवाल हुआ, और वो बंद कर दिया उन्होंने। तो मैंने ये मुद्दा उठा लिया कि जिमी, और जिमी मुद्दा इसलिए उठाता है कि वो जो प्रीवी पर्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो जब बुलाता है वकील को सीधे बोलता है हमको मीडिया कवरेज चाहिए, हम मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा पूरा हो ना हो ये छपना चाहिए, और जब तक वो कहता है ये हाँ ये इतना मुद्दा तूल पकड़ लेगी जब हमको कोर्ट बुलाए तो सब हमारे लिए लाइन में खड़े रहें सर झुकाए हुए, तब तक तूल पकड़ा दो मतलब मीडिया के थ्रू, वो ये चाहता है। तो उसको प्रीवी पर्स से बेटर कोई आइडिया नहीं था, जिसको सारे रजवाड़े मिल जाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। एक चीज़ नहीं समझ में आई, हो सकता है मतलब बैकड्रॉप तो राजस्थान का है, राजस्थान हमने बहुत उसको ज्योग्राफी इसकी बहुत स्पेसिफाई की नहीं कि राजस्थान में सेट है, बट क्योंकि दिखता है तो आप कह रहे हैं राजस्थान है वहाँ की हवेली है। जी तो कहीं कहीं गाड़ियों पर यूपी का आता है, क्योंकि पहली वाली फिल्म यूपी में सेट थी, इसीलिए वो कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया। थैंक यू।